खबर वो लोग देखन क्योंकि जेडे लोग ATM यूज करते हैं। जे तुसी भी ATM कार्ड यूज करते हो तो सावधान रहो कि $13,000 तो $25,000 के इस कार्ड के बैलेंस है, बट ये बेच रहे सिर्फ $19। चीज़ा इन लोगों को आदियाँ किस तरह, मान लो मेरा ATM कार्ड मेरी जेब दे, इन दे काफ़ी अलग अलग मैथड ने जिस तरह जिदे हैकर जोड़े है ये स्कैम करते हैं। ताडे ATM कार्ड के पेन तो बिना भी कोई भी बंदा वो पैसे कढ़वा सकता। ATM जिहड़ियां मशीन ने उन्हां ते स्कैनर लगा देते हैं, वो स्कैनर तो की होंगे कि कार्ड की जी सारी इनफॉर्मेशन है वो स्कैनर के चली जाती है। ताडे फोन के उपर पहला OTP होंगे, बट US के ये चीज़ नहीं है। US के जो पेमेंट करते हो सिर्फ कार्ड इनफॉर्मेशन भरो, कोई OTP नहीं है, इनडायरैक्ट पेमेंट हो जाए। जिन्ना ज़्यादा ये दो नंबर का धंधा है उन्ना ही ज़्यादा ईमानदारी करते हैं। तमाम डिटेल्स उस दिया परचेज कर ली है तो फिर इस तो ट्रेस हो जाओगे तुसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुसी किसी नूं भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो तो वो ट्रैक नहीं की जा सकती? तो इस पूरे सिस्टम तो बचा किदा किया जाए, इसलिए जे इन्हां ते शिकंजा कसना होवे कार्रवाई किदा करूगी पुलिस? जिहड़ा बंदा इस कार्ड नूं यूज करूगा तो फसन के चांसिस होते हैं। ये जो लोग इस तरह सेल कर रहे ये नहीं फड़े जा सकते? ये नहीं फड़े जा सकते। प्रो पंजाब TV ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ विक्रम सिंह। अज असी उस ब्लैक मार्केट नूं एक्सपोज कर जा रहे हैं प्रो पंजाब TV ते, जिथे कि खास करके ये खबर वो लोग देखन क्योंकि जेडे लोग ATM यूज करते हैं या फिर डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड जो भी चीज़ा तुसी यूज करते हो, तो असी उस मार्केट नूं एक्सपोज कर जा रहे हैं जिथे $20 के $5-5 के $1,000 बैलेंस वाले ATM कार्ड मिलते हैं। ये वैबसाइट्स इस चीज़ का दावा करते हैं ब्लैक मार्केट है, असी अज उस एक्सपोज कर जा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल जे तुसी भी ATM कार्ड यूज करते हो तो सावधान रहो क्योंकि थोड़ा बैलेंस थोड़े ATM है तो थोड़ी जेब दे विच, पर उसके पिन नंबर और तमाम चीज़ा CVV कोड समेत ये चीज़ा किसी होर ऑनलाइन वेचिया जा सकदियां। साढ़े नाल IT एक्सपर्ट संदीप औलख मौजूद ने। संदीप, ये तमाम जो चीज़ा थोड़े लैपटॉप की स्क्रीन पर ने जी, $1,000 $13,000 तो $25,000 बैलेंस इस क्रेडिट कार्ड के विच है, पर ये अवेलेबल दिखा रहा कि इसनों परचेज करना तो $19 के विच परचेज कर लो, ये है कि माजरा जी? ये जो कार्ड ने यह ब्लैक मार्केट दियाँ जिहड़ियां ब्लैक मार्केट्स ने उत्थे वेचे जाते हैं। हुण तुसी देख रहे हो कि कार्ड के विच बैलेंस ये कह रहे हैं कि $13,000 तो $25,000 के विच इस कार्ड के विच बैलेंस है, बट ये बेच रहे हैं सिर्फ $19। तो ये $19 जिहड़ा बैल मंग रहे ने ये बिटकॉइन की अमाउंट विच मंग रहे हैं। तो हुण इत्थे जरूर तुहाडे मन दे सवाल उठदा कि $13,000 खुद क्यों यूज कर लिया उन्होंने, तो जिहड़े ये कार्ड का जिहड़ा हैगा उहदा कार्ड की पूरी डिटेल दिंदे ने, मतलब कार्ड का जिस तरह उहदा कार्ड नंबर हो गया, उहदा एक्सपायरी डेट हो गई, तो उहदा CVV नंबर हो गया, ठीक है। ये कार्ड का वह नंबर दिंदे ने, ठीक है। उन्होंने नंबरों तो सिर्फ जो कोई भी परसन है ऑनलाइन परचेजिंग कर सकता है, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट खरीद सकता, कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। पर जदों उन्होंने खरीदने वास्ते भी कार्डिंग सैटअप होता है, एक कार्डिंग सैटअप करना पैंदा है, ठीक है, वो उपर काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। वो सैटअप तो बाद उस तो बाद जो कोई भी आइटम खरीदा तो ये चीज़ा इन लोगों को आदियाँ किस तरह, मान लो मेरा ATM कार्ड मेरी जेब के मेरे वॉलेट के मेरी जेब के, पर यह चीज़ा दूसरे कोल किदां पहुंचदियां? सब तो पहला इस चीज़ के बारे जानकारी दे दो। देखो, इन्हां दे काफ़ी अलग अलग मैथड ने जिस तरह जिहदे नाल हैकर जिहड़े आ ये स्कैम करते हैं। एक अपने मतलब जिहड़ा नॉर्मल नाउन मैथड है उहदे विच की करते हैं कि वह तुहानूं कॉल करते हैं, कॉल करन तो बाद तुहाडी इनफॉर्मेशन मंगदे आ, फिर वह तुहाडे तों OTP लैंदे आ, उस तों बाद तुहाडा जिहड़ा बैलेंस है डिडक्ट हो जाता। वो एक बहुत ज़्यादा पुरानी टैक्नीक आ गई, ठीक है। अजकल लगभग हर एक बंदे नूं पता कि ये इस तरह स्कैम चल रहा, बट फिर भी कुछ लोग उन्होंने स्कैम से फस सकते हैं। पर मैं तो दस देना चाहना कि सिर्फ उही स्कैम नहीं है, उस तो इलावा भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं जिदे नाल तुहाडा कार्ड है जिहड़ा वो हैक हो सकता। वो स्कैम बारे तो सबनों पता है, वो तो हर कोई बचेगा। कई लोग सोचते होंगे जी देखो मेरा कार्ड है ना, मेरे कार्ड के OTP नहीं मिला किसी को मेरे ATM कार्ड का पिन नहीं पता, बट ये जरूरी नहीं है कि तुहाडा ATM कार्ड का पिन नहीं पता
ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਐਂਡ ਸੀ ਵੀ ਵੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਅਨਾਊਨ ਮੈਥਡ ਆ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟੋਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਪ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਥਸ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਜ਼ਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਡਾਰਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ URL ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ USA ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ $13,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $25,000 ਤਾਂ ਦੇ ਇਹ $19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, $19 ਵਿੱਚ, $19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ $13,000 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ OTP ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ OTP ਹੁੰਦਾ, ਬਟ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰੋ, ਕੋਈ OTP ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ $19 ਦੇ ਵਿੱਚ $13,000 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੋਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ATM ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ $10-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਸਟਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਥਡ
सिर्फ वही होएगा। तुसी कुछ क डॉलर जिहड़े हैगे ने कुछ डॉलर की अमाउंट के बिटकॉइन है वो इन्हों ट्रांसफर करने होंगे है तो वो जी पेमेंट है जो तुसी ट्रांसफर करती इमीडिएटली तुहानू सिर्फ एक दो मिनट जो कार्ड का डिटेल है वो तुहानू मिल जाएगी। वो कार्ड की डिटेल तुसी चैक करो, ठीक है। तुहानू चैक करने तो बाद तुहानू लगे भी कार्ड की जी डिटेल है वो सही नहीं है तुहाडी, मतलब कि तुसी बाय नहीं कर पा रहे, इमीडिएटली जिहड़े ये दावा कर रहे हैं इमीडिएटली ये कहें कि असी जो कार्ड है नवा दे देंगे अगर वो कार्ड नहीं चल रहा, ठीक है। तो नवा कार्ड मिल जाएगा अगर वो भी नहीं चल रहा, तुसी सैटिस्फाइड नहीं है इन्हें सर्विस तो ताडे जिहड़े $19 ने तुहानू वापस मिल जाएंगे। इस चीज़ का की दावा है क्योंकि ये तो ऑनलाइन पता नहीं, इन्हें जानते नहीं कितने बैठे हैं। बिल्कुल नहीं जानते, बट इन्हों का जिहड़ा ये पेमेंट है ये एसक्रो के थ्रू पेमेंट लेंदे ने, तो एसक्रो दे विच पेमेंट होल्ड से रहती है जदों तक तुसी कन्फर्म नहीं करते कर देंगे कि मैं इस प्रोडक्ट तो सैटिस्फाइड हाँ। तो एसक्रो थर्ड पार्टी पेमेंट मैथड है, ठीक है, थ्रू बिटकॉइन की पेमेंट होंगी है और एसक्रो से तुम ट्रस्ट कर सकते हो। एसक्रो के जी पेमेंट है वो उन्ना टाइम रही है जो सैलर है वो तक पेमेंट नहीं जाती। सारा काम जो जिदा कहा जाता है कि जिन्ना ही दो नंबर के काम के ईमानदारी बहुत जरूरी है, लोग ईमानदारी कर रहे तो फिर तो बहुत बड़े पद्धर से लोगों का नुकसान हो रहा है। लोगों का नुकसान हो रहा है, बिल्कुल $1,000 का जो है घाटा डेली लोगों को पैंदा है। तो जोड़ा है मतलब कि हो सकता कोई मजबूर इंसान हो जिदा कार्ड हैक किया हो अगे सिर्फ $10-15 के वेच दिता होना तो वो $1,000 कट ले हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गलत, बट ये तुहाडे लई गल कि जिन्ना ज़्यादा ये दो नंबर का धंधा उन्ना ही ज़्यादा ईमानदारी नाल करते हैं क्योंकि इन्हां कोल सिर्फ एक लॉयल्टी ही है जिहदे थ्रू ये अपना धंधा स्प्रैड कर सकते, कोई इन्हां दी एडवरटाइजमेंट नहीं होंदी, कुछ नहीं होंदी, सिर्फ लॉयल्टी है। लॉयल्टी लोग पहुँच किदां जांदे इन्हां तक? इन्हां तक पहुँचण दा देखो जिस तरह मैनू नॉलेज है, ठीक है, मैथों किसी होर ने सीख लिया, ठीक है, तो मैं उस तो अगे च होर ने सीख रहा, ठीक है। इदा ही स्प्रेडिंग होंगे, सिर्फ लॉयल्टी से स्प्रेडिंग होंगी है, ठीक है। इन्हों की तुम उ यूजर देख लो 357,401 यूजर ने इन्हों के पूरे ऑल वर्ल्ड के एक लिमिटेड यूजर ने, कोई इन्ना ज़्यादा भी नहीं है पूरे वर्ल्ड की चप देखिए। पेमेंट का जिदा कि पेमेंट कोई भी करते हो, हाँ जी, मान लो किसी पेमेंट की है तुम किसी भी सिस्टम के हिसाब से, मान लो पेमेंट की, तो उस तो ट्रेस हो जाने, ट्रैक रिकॉर्ड के आ जाता है कि यह पेमेंट इस हिसाब से ना की है। मान लो ये हूँ खरीदन का सिस्टम है, खरीदन का ऑप्शन आ गया इसके उपर जी, ये जो तुम एसक्रो सिस्टम दस रहे हो इस हिसाब से, मान लो पेमेंट की है, इंडिया बैठे पेमेंट कर ली जी, तुम पंजाब बैठे हो तुम इतों पेमेंट कर ली, US बैठे बंदे का तुम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या जो भी है उसका तमाम डिटेल्स उस परचेज कर ली है, फिर इस तो ट्रेस हो जाओगे तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिहड़ा बिटकॉइन का मैथड है ना, बिटकॉइन पेमेंट बिटकॉइन होंगी है, बिटकॉइन होंगी है, इन्हों की जी पेमेंट है अगर ये $19 मंग रहे हैं तो $19 बिटकॉइन की पेमेंट होगी, बिटकॉइन के तुम्हें पेमेंट करनी पेगी। बिटकॉइन का जो तुम बिटकॉइन का अकाउंट जनरेट करते हो तो तुम KYC की जरूरत नहीं होंगी, ठीक है जी, तो वो KYC की जरूरत भी नहीं होंगी, ठीक है। तुम किसी भी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो तो वो ट्रैक नहीं की जा सकती, ठीक है। तो मतलब भावें अपना एक फेक अकाउंट बना के वो बिटकॉइन है जोड़ा तुम परचेज कर लो, ठीक है, बिटकॉइन परचेज करके किसी को अगर सेंड कर दो तो वो ट्रैक नहीं होंगे, ठीक है। बिटकॉइन एक सेफ मैथड है मतलब इन्हों के लिए, ठीक है। तो बस उस तो बाद इन्हों का जोड़ा है पेमेंट करो इमीडिएटली, जो तुम इन कार्ड्स की डिलीवरी ही कर देंगे। इस पूरे सिस्टम तो बचा किदा किया जाए ताकि लोगों के जोड़े व्डे लेवल से लोगों के नाल ठगी होंगी है, आए दिन लोगों के फोन के अमाउंट डिडक्ट हो जाती, पैसे निकल जाते जी। लोग कहते कि जी साडा तो ATM मेरी जेब के, मैं ATM भी नहीं गया ना किसी का फोन आया, फिर भी पैसे किदा निकल गए? बिल्कुल ये चीज़ा होंगे वो यही है जी, सब तो पहला कि तुम जो फिशिंग होंगी वह तो बचो, कोई भी तुम्हें लग रहा कि यह सौदा मतलब कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने iPhone का पाया हुआ एडवरटाइजमेंट पाई हुई है कि $200 के iPhone मिलेगा, वो तुम्हें लग रहा कि यह कोई सही नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगी, क्योंकि कोई इदा होंगे नहीं कोई तुम मतलब सस्ते दे विच कोई समान मिल रहा हो, ठीक है। तो उन्होंने चीज़ों तो बचो, जी चीज़ तुम्हें लग रही है कि वैबसाइट जेन्युइन नहीं लग रही, ठीक है, ये कोई दिखावा करके बड़ा कुछ ना कुछ है ना, मतलब कि इन्नी सस्ती चीज़ नहीं मिल सकती, तो वो चीज़ तुम अपने दिमाग में सोच के उन्होंने चीज़ों तो बचो। उन्होंने जीडिया है वैबसाइट के उपर कार्ड की डिटेल एंटर कर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ जिहड़ियां ट्रस्टेबल साइट्स ने उन्होंने ही यूज़ करो, उन्होंने उपर ही अपनी पेमेंट करो, तो सिर्फ अपने दिमाग तो कम लैके
कि जो एक सौदा तुम्हें लग रहा कि सही नहीं लग रहा थोड़ी नज़रों के वो कभी भी पेमेंट करके अपने पैसे भी ना फसाओ तो जी अपने कार्ड्स ने उन्होंने हैक कर होने तो बचाओ। कार्रवाई किदा करे पुलिस, पुलिस ने जो इन्हें शिकंजा कसना हो कार्रवाई किदा करूंगी पुलिस इन्हें? देखो इन्होंने अपने अगर इन्होंने फसना हों जोड़ा कार्ड सेगा ये खुद यूज़ कर दे, ये कार्ड में खुद नहीं यूज़ कर रहे, ये सिर्फ $13,000 बैलेंस वाले कार्ड में $19 बेच रहे हैं। तो जोड़ा बंदा इस कार्ड में यूज़ करेगा तो फसन के चांसिस होते हैं, ना कि मतलब जिन्होंने $19 सेल करता। इस करके जो खरीद रहे हैं वो ही अपने आप को अवेयर रखे कि इदा का सौदा ना करो। ये तो चीज़ मान लो तुम हम इन तो डिटेल ले लीए, तुम इंडिया बैठे हो, तुम इतने बैठे बैठे ही US किसी बैठे बंद शॉपिंग करके भिजवा दो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जिहड़ा इतों ही जिहड़ा इन्हां दा कार्ड बाय करके तुसी US दे विच कोई फिजिकल प्रोडक्ट पुलिस किद्दां फड़ूगी फिर तुहानूं? फड़ ही नहीं सकदे। नहीं बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लॉज ने ना, मतलब कि जिहड़ियां पूरे वर्ल्ड दे विच तुसीं देखिया होना कि जिहड़े कार्ड प्रोवाइडर ने जिवें जिस तरह मास्टर कार्ड आ वीज़ा है ना, वो इन इंटरनेशनल रूल्स के थ्रू काम करते हैं कि अगर मैं US दे बंदे दा किसी दा कार्ड हैक करके यूज़ कर रहा तो मैनूं पुलिस इतों फड़ सकदी है, क्योंकि कंपनी सेम है ना, कंपनी वो इतने भी रन कर रहे हैं। तो वो इंटरनेशनल लॉ थ्रू मतलब ये नहीं है कि मैं अगर US का कार्ड से US दे विच वो तो फड़े, चलो वो जो यूज कर रहे हो फड़े जाऊगा मान लो, पर ये जो लोग इस तरह सेल कर रहे हैं ये नहीं फड़े जा सकते? ये नहीं फड़े जा सकते जो मतलब कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, क्योंकि ये मार्केट इन्होंने इन्नी सिक्योर कर ली आपकी। हाँ जी, कुछ लोग मतलब कि यह नहीं है कि इदा के भी है कि जो इन्होंने कार्ड को यूज़ करके भी नहीं फड़े जा सकते, वो भी अपना सिक्योर तकरीबन अपनाते हैं। ठीक है, बस ये है कि इन्होंने कार्ड्स में कोई भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं यूज़ किया जा सकता, इन्होंने सिर्फ कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट बाय करने ही वरत्या जा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साढ़े दर्शकों को साझी करने। सो ऑनलाइन किस तरीके के नाल ठगी होंगी है ये असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि यह पूरी एक ब्लैक मार्केट है, एक डीप मार्केट है जिस दे उपर तुहानूं घर बैठिया नूं हर चीज़ बड़ी आसानी के नाल मिल जाती है, पर सावधान रहने की बेहद जरूरत है क्योंकि वड़े वड़े जो ठग बैठे है खास करके जो इंजीनियरिंग करके या IT करके जो पढ़ लिख के मुंडे बैठे है वो लोग इस तरह का पूरा सिस्टम चलाते हैं और ये पूरी दुनिया के विच चल रहा है सिस्टम और खुलेआम चल रहा। हालांकि इन्हां तक पहुँच कुछ एक लोगों की होंगी है जिहड़े IT के जानकार होंगे है उन्हां लोगों की इन्हां तक पहुँच होंगी है घर बैठी तुहाडा ATM कार्ड, हालांकि तुहाडा ATM कार्ड तुहाडी जेब दे विच होगा तुहाडे सामने पिया होगा पर उसकी डिटेल जिहड़ी है वो वैबसाइट के उपर पहुँच जाती है तो उसनों जे लखां रुपए उस ATM दे विच है उस डेबिट कार्ड दे विच क्रेडिट कार्ड दे विच लखां रुपए अमाउंट पई है पर वो कुछ ही डॉलरों विच $10 to $20 दे विच वो विक जाऊगा अगे, क्योंकि जो तुम कोई भी ऑनलाइन चीज़ खरीदते हो तो उस तो बाद फिर वो तमाम जो चीज़ मान लो तुम फर्जी वैबसाइट पर कोई भी अपनी डिटेल साझी करते हो तो उस वो चीज़ सारी रिकॉर्ड हो जाती है, उस कार्ड का पूरा नंबर रिकॉर्ड हो जाता है, CVV नंबर तो उसका जो पिन है वो तमाम चीज़ा उस रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो हैकर जोड़े है उस चीज़ में डेटा सेव करके उस चीज़ में फिर अगे सेल कर देंगे है तो लखा रुपए का जो बैलेंस है लखा रुपए बैलेंस वाले कार्ड बड़ी आसानी के नाल कुछ एक रुपया मिल जाते हैं। तो फिर घर बैठे तुम हैरान तो परेशान हो सकते हो कि आखिर घर बैठा मैं तो मेरे ATM के रुपए किस तरह निकल गए। सो इस तरह ये पूरी ब्लैक मार्केट चल रही है, इस तो अवेयर होने की सावधान होने की बेहद जरूरत है। कैमरा परसन जगरूप सिंह के नाल विक्रम सिंह, प्रो पंजाब TV, चंडीगढ़।